हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? तो आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो सुबह के 8 बजे हैं और मैं लगी हूँ काम पे। तो आज निपटाऊंगी मैं जल्दी जल्दी काम की, मुझे जाना है अपने घर। तो देखो अभी तो सारा किचन भी बिखरा पड़ा, किचन भी साफ़ करूंगी, बर्तन साफ करूंगी और पोछा लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं धो रही हूँ नाज, तो मैं नाज धो रही हूँ। नाज कब में डाल दिया है और पानी भी, तो अब मैं नाज धो के डालूंगी। मैं आज धो के डाल दूंगी, फिर सुखा कर तो ये भर देंगे ताकि मेरा ये ना परेशानी ना हो। तो मैं एक नाज का हड़ा धो के जाऊंगी और जल्दी जल्दी से काम निपटाऊंगी, फिर बनाऊंगी मैं कढ़ी चावल। कि मम्मी भी जाएगी मेरे साथ में, मेरी मम्मी को देखने के लिए, और मैं भी जाऊंगी। तो मगर थोड़े से लेट से चल जाएंगे, पर अपना काम जो है बाकी का सारा निपटा का ख़त्म करके जब जाऊँगी तो चलो अब धोऊँगी मैं नाज। 10 बज गए हैं और नाज धो कर डाल दिया है धूप में। तो दोस्तों धूप तो इतनी है नहीं, बादल हो रहे, पर कभी धूप आ जाए कभी बादल हो जाए। तब मैंने सिलगा दिया है चूल्हा और बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी का सारा सामान ये है, पकौड़ी का आटा, प्याज और मिर्च। तो चूल्हा सिलगा दिया है और अब इस पे रखूँगा कढ़ाई कढ़ी के लिए। तो बनाऊँगी कढ़ी चावल। ये मिर्च, ये मेरे सिलबट्टे पर मिर्च पीस के रखी। कढ़ाई गर्म हो गई है, कढ़ाई का पानी सूख गया है, हो गई है कढ़ाई गर्म। तो अब इसमें डालूँगी तेल। तो तेल भी डाल दिया है, तेल गर्म होने के बाद उसको पहले तो बनाऊंगी मैं पकौड़ी और उसके बाद छौंकूंगी कढ़ी। तेल हो गया है गरम, तो अब डालूंगी मैं ये पकौड़ी। तो मिर्च भी इसमें मिक्स कर दिए हैं और अब बनाऊंगी मैं बेसन की पकौड़ी। ये है पकौड़ी, पकौड़ी उतार के रखूंगी साइड में और अब डालूंगी तो मेथी। तो ये है मेथी, कटी हुई प्याज और ये है सबुत्ती, सबुत्ती मिर्च। तो प्याज हो गई है, प्याज और सूखी मिर्च। तो अब डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर। पिसा धनिया और पिसी हुई लाल मिर्च। बस ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च लाल होगी फिर क्या। तो ये सारा मसाला अच्छे से तेल में भून लिया है और तेल में भूनने के बाद तब मैं डालूंगी बेसन का घोल। कढ़ी हमारी सूख गई है और जब तक इसमें खद्दा नहीं आता तब तक मैं सचती रहूँगी। और खद्दा आने के बाद इसे रखूंगी ढककर। तेल लग गया है पापा जी के लिए और कमला जी के लिए खाना, तो मैं खाने लग रही हूँ। रोटी लेकर जा रही है लग के गाय के और कमला जी की। कैसी लग रही है पंडित जी कड़ी? कड़ी बेस्ट हलवाई फील करती है। अच्छा ठीक है, पंडित जी कह रहे हलवाई फैल कर दे, ऊपरी मंत्र कह रहे। एक रोटी गए घर को खा गई। अच्छा, पकौड़ी तो ऐसी होनी है जो चम्मच लगाते ही छुआती कट जाती है। अच्छा, तेरी छुट्टी क्या है की आज? टेबल छुट्टी पड़ गई। मम्मी कढ़ी बना दी आज तो है। हाँ, मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाने वाले। तो बैठी रहो, तो कुछ कोई बात होगी। ये चेहरे पे मुस्कुराहट, ये 8 दिनों में टेंशन फ्री रहूँगा, मेरे भी मुस्कुराहट आ रही है। ए जी नुला दो, मैं टेंशन खत्म हो जाएगी 8 दिन लो भाई। अगर टेंशन अपने घर वालों को देगी खूब देना टेंशन, और रोज पनीर बना कर खाइए। क्या कह रहा मैं उनको बता। हाँ। किस लिए जा रही है अपने घर? ओहो, इसलिए जाऊंगी मतलब मम्मी के पास रहूंगी। तो मैं क्या कह रहा, रोज पनीर खाना। अपनी माँ वाली खिचड़ी खाओगी मूंग की दाल की? मैंने क्या खाना,
ये फार्मूले प्याओ जा हमें बस आदि नु करी पापा मेरा भी लोग बनाओ मेरी फ्रेंड कर मेरी शरत लग रही कि मैं आज खाना बनाऊं रोजगार नहीं नुगारी अभी मंदिर में गई थी अच्छा जल चढ़ा तो इसकी फ्रेंड भी इसके जैसी है दोनों जुड़वा सी लगा तो नुगारी वो मैं तो जाकर जो रोटी सिखवाऊंगी अच्छा अलग तो रोटी सिखवाओगी तो मैं भी सब्जी में तड़का दूंगी आज इसलिए तो कह रही है आज मेरी वीडियो बनाई है जब दिखाओ मैं भी बनाऊंगी अच्छा दाल तो बना कर लाइए तड़का दे रही अच्छा ये है दाल है तो इसमें क्या याद है इसमें टमाटर हल्दी नमक धनिया अमचूर पाउडर तो मुझे बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है खाना बनाने के लिए तो खर्चा होगी अभी यह छोटी है या अभी धीरे धीरे मुझे सीख जाएगी तभी पता नहीं चलने का मन कद सीख ले सामान सारा बनाना आ जाए बच्चों का फिर मैं जा जाएगी कभी मैंने अपनी मम्मी को याद कर रखी थी खाने का खाना बनाने का हर चीज़ को अब जब मेरी माँ को बनाना है तो पहले मेरी माँ को नहीं आता जिनने बचपन में मजे ले लिया नहीं बुढ़ापे में करना पड़ा मेरी मम्मी ने कहा मैं कभी करना ही नहीं पड़ा जब घरों थे तो मेरी नानी जी करा कर थी फिर शादी होगी फिर लाड लाड में फिर मेरी दादी जी करा कर थी फिर मेरे पिताजी बनाएगा सारा वर्ग का सामान जैसे तो सारा सामान बनाना है फिर हम बड़े हो गए फिर हमने थाम लिया अभी नहीं आ रहे जो कल आ रही तो है बन गई है दाल तड़का है अपनी बुआ को एक कटोरी चून देखा जा भाग के उसे गाय को दवाई देवे रला के अच्छा तो तू साल भर के नाम की जा रही पाँच सात दिन ही तो रहेगी अच्छा नागा दी दाल पर टोप बना रखी लक्की भी टोप बना रखी अब कैक पसंद आएगी तारीफ करने के अब तो तारीफ कर दी तेरी दाल की